हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिर्चोंग को छत में देखते हैं। वो छत से कपड़े ला रही होती है। वहीं जब वो कपड़े लेकर नीचे आती है तब वो एवम से पूछती है, क्या तुमने मेरे अंडरवेयर अंदर लाया है? तब एवम मना करती है। तब मिर्चोंग उससे कहती है, मैंने उसे सूखने रखा था लेकिन अभी मुझे नहीं मिला। तब एवम कहती है, शायद वो हवा से उड़ गया होगा। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारी लेडी आई होती है कंप्लेन देने। वहीं वो लोग कहते हैं, बहुत दिनों से हमारे अंडरवेयर गायब हो रहे हैं। तभी चेंगवेल को उसका श्योल से फ्रेंड का कॉल आता है। तब वो जंगमुख को अपनी जगह में बिठाकर कॉल रिसीव करने बाहर जाता है। वहीं उसका फ्रेंड उसे एक लड़की की डेथ के बारे में बताता है जिसकी डेथ ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुआ है। तो चेंगवेल उससे पूछता है, क्या उस लड़की के हाथ में बटरफ्लाई का टैटू है? वहीं उसका फ्रेंड चेक करता है। तब वो देखता है कि उस लड़की के हाथ में टैटू है और वो चेंगवेल को बताता है। तो चेंगवेल कहता है, ये बैग का काम है। जब इस लड़की से उसका काम ख़त्म हो गया तब उसने इस लड़की को मार डाला। वहीं चेंगवेल पूछता है, क्या कोई एविडेंस मिला? तब उसका फ्रेंड कहता है, एविडेंस होने का क्या फ़ायदा? बैग के खिलाफ कोई भी एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर को ब्लैकमेल करता है जिससे कोर्ट में उसके खिलाफ सभी एविडेंस इनसफिकेंट का घोषित किया जाता है और उसका केस क्लोज कर दिया जाता है। और उसका फ्रेंड चेंगवेल से कहता है, जल्दी से यहाँ वापस आओ और खुद ही इस केस में इन्वेस्टिगेट करो। और उसका फ्रेंड कहता है, जब से तुम यहाँ से ट्रांसफर किए गए हो तब से बैग किंग के तरह रह रहा है। वहीं चेंगवेल उससे पूछता है, चेंगवेल का क्या हुआ? क्या उसका कोई लोकेशन पता चला? तब उसका फ्रेंड मना करता है। उसके बाद हम एवम और मिर्चोंग को देखते हैं। एवम मिर्चोंग से पूछती है, क्या आज कोई पेशेंट नहीं है? तब मिर्चोंग कहती है, तुम्हें गांगशिक के फार्म में जाना होगा। तब एवम कहती है, फिर से क्यों? और कहती है, मुझे नहीं जाना है। तब उसकी आंटी कहती है, गांगशिक हमारा रेगुलर कस्टमर है, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तब एवम पूछती है, वो मुझे कब लेने आएगा? तब मिर्चोंग कहती है, आज तुम्हें खुद ही जाना होगा, वो नहीं आ सकता है। वहीं जब एवम बाहर जाती है तभी चेंगवेल वहाँ कार में आता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? तब एवम कहती है, मैं काव को चेक करने जा रही हूँ। तब चेंगवेल पूछता है, वो कहाँ है? तब एवम कहती है, ग्वांगशिक फार्म। तब चेंगवेल कहता है, मैं भी सेम ही लोकेशन में जा रहा हूँ। और वो उसे लिफ्ट ऑफर करता है। तब एवम कार में बैठ जाती है। वहीं वो अखुरी को मैसेज करके कहती है, मैं चेंगवेल के साथ कार में जा रही हूँ, उसने ही मुझे लिफ्ट ऑफर किया था, मुझे गलत मत समझना। वहीं एवम को नींद आ रही होती है जिससे वो सो जाती है। और वो सोने से पहले चेंगवेल से कहती है, मुझे पहुँचने से पहले उठा देना। वहीं जब एवम की आंखें खुलती है तब वो देखती है कि वो श्योल पहुंच चुकी होती है। वहीं चेंगवेल ने एवम को जानबूझकर अपने केस के लिए श्योल लेकर आया था। तब एवम बहुत गुस्सा होती है। वहीं वो दोनों चलकर जा रहे होते हैं। तब एवम कहती है, मुझे ग्वांगशिक के फार्म में जाना था, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है। वहीं चेंगवेल चिल्लाकर उससे कहता है, तुम कितनी बोलती हो। वहीं जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब एवम वहाँ नहीं होती है, वो शॉप में एक ड्रेस को देख रही होती है। जब चेंगवेल उसके पास जाता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो? तब एवम कहती है, मैं अपना वॉलेट लाना भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो? उसके बाद हम देखते हैं चेंगवेल उसे एक कार की तरफ दिखाकर कहता है, उस कार से एक आदमी बाहर आएगा, तुम्हें उसके बम को छूना है। वहीं उस कार में बैग होता है। वहीं चेंगवेल सामने से बैग के पास जाता है। तब उसके आदमी आगे आते हैं। तो चेंगवेल कहता है, अगर तुम लोगों ने मुझे रोका तो मैं सबको मार डालूँगा। वहीं चेंगवेल जाकर बैग को हग करता है और उसके बम में च्युइंगम लगाता है। वहीं एवम उसके साथ ही होती है। वहीं एवम उसके बम को छूती है च्युइंगम हटाने के बहाने से। उसके बाद एवम उसकी मेमोरीज को देखकर चेंगवेल को बताती है, इसने इन दिनों बहुत सारे फिशिंग बोट खरीदे हैं। वहीं एवम उसे पूछती है, अब मैं क्या करूं?
तब जैंगवर उससे पूछता है तुम्हें कितना पैसा चाहिए और वो उससे अपना कार्ड देकर वहाँ से भेज देता है। वहीं बैग के आदमी एवम के पीछे जाने लगते हैं तब जैंगवल उन्हें रोककर एवम को भेज देता है। वहीं जैंगवल बैग से बात करने के लिए अंदर जाता है। वहीं जैंगवल और बैग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वहीं बैग की वजह से ही जैंगवल का ट्रांसफर हुआ था। वहीं जैंगवल बैग के स्लिप्स उठाकर देखता है कि उसके हाथ में बटरफ्लाई टैटू है कि नहीं, लेकिन उसके हाथ में टैटू नहीं होता है और वो बैग से मरी हुई लड़की के बारे में पूछता है। वहीं जैंगवल कहता है तुम्हारा तो कोई फिश का रेस्टोरेंट नहीं है तो तुमने इतने सारे फिशिंग बोट क्यों खरीदे, क्या इस बार फिश से ड्रग्स से स्मगलिंग करोगे। वहीं बैग कुछ नहीं कहता है और जैंगवल वहां से चला जाता है। वहीं जैंगवल के वहां से जाने के बाद बैग के पास श्योंगिल आता है। वहीं बैग उससे कहता है हमें जैंगवल को मारना होगा। ये सुनकर श्योंगिल के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसके बाद हम एवम और जैंगवल को देखते हैं। एवम ने न्यू ड्रेस पहनी होती है। वहीं जैंगवल उससे पूछता है क्या तुमने फिशिंग बोट के अलावा और कुछ देखा था, क्या तुमने उस आदमी को देखा था जिसे तुमने मेरे बम चुके मेरे मेमोरीज में देखा था। उसके बाद एवम कार से उतर जाती है। वहीं उनके कार के पीछा और कोई भी कर रहा होता है। वहीं अखुरी पहले से ही एवम का वेट कर रही होती है। तब एवम उससे कहती है जैंगवल मुझे जो जबरदस्ती अपने साथ श्योल लेकर गया था कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहीं अखुरी उससे कहती है मैंने तुम्हारा ये आउटफिट कभी नहीं देखा है पहले। तब एवम कहती है मैंने ये ड्रेस श्योल में देखा था और मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने जैंगवल से पैसे उठा लेके ये ड्रेस खरीद लिया। वहीं अखुरी एवम को डराते हुए कहती है एवम आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम एवम को घर में देखते हैं जहाँ मिर्चोंग उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुम ग्वांगशिक के फार्म में क्यों नहीं गए, अभी जल्दी से वहाँ जाओ। उसके बाद हम एवम को फार्म में देखते हैं। वहीं वो काऊ का चेकअप करने के बाद वो दोनों अपने पावर के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहीं ग्वांगशिक उससे कहता है ये पावर डेटिंग के लिए बहुत अच्छा है, हम छूकर ही कुछ भी पता कर सकते हैं, क्या तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं है जिसे तुम डेट के लिए पूछना चाहते हो अपने साथ। वहीं एवम ग्वांगशिक से कहती है क्या मैं आपके बम को छूकर देख सकती हूँ। तब ग्वांगशिक हाँ कहता है। वहीं एवम उसके बम को छूती है जहाँ वो बहुत सारी लड़कियों को देखती है। वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमर वाली लड़की भी होती है लेकिन एवम उसमें इतना ध्यान नहीं देती है। वहीं ग्वांगशिक उसे मिल्क भी देता है घर लेकर जाने के लिए। वहीं जब वो घर जा रही होती है तब वो सूनो से मिलती है। वहीं वो सूनो को भी थोड़ा सा मिल्क दे देती है। वहीं एवम सूनो के बम को छूने का सोचती है। वहीं उसे मौका भी मिलता है लेकिन सैमन बीच में आ जाता है जिससे वो बम छू नहीं पाती है। वहीं अंडरवेयर की चोरी बहुत बढ़ गई होती है। वहीं जंगमुख अब केस को सीरियसली लेता है और वो उन लेडीसों से कहता है आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए, मैं कल्पित को ढूंढ कर ही रहूँगा। उसके बाद हम जोंगमुख जैंगवल मिसेस ना और ड्योखी को देखते हैं जहाँ जोंगमुख उनसे कहता है आज से हम रात को ड्यूटी करेंगे, इससे हम कल्पित को पकड़ सकेंगे और जब तक हम कल्पित को पकड़ नहीं लेते हैं कोई भी घर नहीं जाएगा। वहीं जैंगवल को इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था तो जोंगमुख उससे कहता है क्या तुम्हें सिर्फ उन्हीं केसों में इंटरेस्ट है जिससे तुम श्योर वापस जा सकते हो। इससे जैंगवल को मन नहीं होकर भी न्याय ड्यूटी करना पड़ता है। वहीं वो लोग एक घर के बाहर सामने ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि उस घर के बाहर बहुत सारे अंडरवेयर सुखाने को रखे होते हैं। तभी वहाँ चोर आता है। वहीं सभी लोग उस चोर के पीछे भागते हैं पकड़ने। वहीं चोर बहुत स्पीड से भाग रहा होता है जिससे जैंगवल को छोड़कर बाकी तीनों पीछे रह जाते हैं। वहीं थोड़े दूर जाकर जैंगवल को चोर नहीं देखता है जिससे वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी चोर आकर जैंगवल के सर में मारता है और चोर भाग जाता है। उसके बाद हम जैंगवल और सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ सभी लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। वहीं जंगमुख सभी से कहता है आज के लिए इतना ही, सभी लोग घर जाओ। तो जैंगवल कहता है जब तक हम चोर को पकड़ नहीं लेते हैं कोई भी घर नहीं जा सकता है। इस पर वो लोग अलग अलग होकर ड्यूटी करते हैं। वहीं चोर एक घर से भागता है। इस पर भी जैंगवल उसके पीछा करता है लेकिन फिर से चोर अचानक से गायब हो जाता है। वहीं जैंगवल उसे इधर उधर देख रहा होता है तभी फिर से चोर उसके सर में मारकर भाग जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट डे हम चेंगवल और चौमुख को कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं। तभी चेंगवल को बाहर एक आदमी दिखता है जिसने लेडीज अंडरवेयर पहने होते हैं, जिससे उसे उस आदमी में शक होता है। वही वो दोनों उस आदमी से कहते हैं, तुमने ही अंडरवेयर की चोरी की है ना? तब वो आदमी मना करता है। वही चेंगवल उस आदमी को दौड़ के दिखाने कहता है, तब वो आदमी स्पीड से नहीं दौड़ पाता है जितना स्पीड से वो चोर दौड़ता है। तब चेंगवल उस आदमी से पूछता है, तुमने लेडीज अंडरवेयर क्यों पहने हैं? तब वो आदमी कहता है, मुझे ये सैमन ने दिया था। उसके बाद वो दोनों सैमन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुमने ये दिया था? तो सैमन हाँ कहता है। तब चौमू पूछता है, क्यों दिया था? तो सैमन कहता है, मैंने तो एक रिचुअल के लिए उसे ये अंडरवेयर दिया था। वहीं जब अखुड़ी देखती है कि चेंगवल अंडरवेयर शोर के वजह से बहुत परेशान है, तब वो डिसाइड करती है कि वो चोर को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी। उसके बाद वो अपने गैंग को मिलने बुलाती है और उनमें रेस लगाती है। तब उसकी फ्रेंड का भाई जीतता है, जिससे अखुड़ी उससे कहती है, तुम अंडरवेयर चोर को पकड़ोगे। वहीं चेंगवल सोनो के स्टोर में जाता है और उसे भी पूछताछ करता है। उसके बाद हम एवम और चेंगवल को देखते हैं, जहां चेंगवल एवम से हेल्प मांगता है चोर को पकड़ने के लिए। वहीं चेंगवल उससे अपने बम को छूने कहता है और कहता है, शायद तुम्हें कुछ दिख जाए जिसे मैंने देखने में मिस कर दिया हो। उसके बाद एवम उसके बम को छूती है। तब वो चेंगवल की पुरानी मेमोरीज को भी देखती है, जहां वो देखती है चेंगवल सिस्टर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जहां श्योंगिल को अंडर एज ड्रिंकिंग के वजह से अरेस्ट किया होता है। वहीं श्योंगिल बहुत क्राइम करता है। वहीं 18 ईयर्स के होने के बाद श्योंगिल अच्छा बन जाता है। एवम उसके बाद दूसरी मेमोरी देखती है, जहां चेंगवल किसी गैंगस्टर को पकड़ने गया था। वहीं उसे वहां श्योंगिल मिलता है। वहीं चेंगवल के शर में किसी के मारने की वजह से श्योंगिल वहां से भाग जाता है। तभी चेंगवल एवम से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ देखा? तब एवम कहती है, रुको, अच्छे से कुछ नहीं देखा है। उसके बाद वो फिर से देखने लगती है, तब उसे सोर का फेस दिखता है, जिससे एवम जानती थी, क्योंकि वो एवम की क्लिनिक में आया था। उसके बाद वो दोनों उस आदमी के घर जाते हैं। वहीं जब चेंगवल उस आदमी को पकड़ने जाता है, तब वो चोर विंडो से भाग जाता है। वहीं चेंगवल उसका पीछे भाग रहा होता है, लेकिन चोर बहुत स्पीड से भागता है। तभी वहां अखुड़ी के गैंग का आदमी आता है और वो चेंगवल से कहता है, मैं इस आदमी को पकड़ता हूँ। वहीं चेंगवल सोचता है, मैं दूसरे रास्ते से जाकर उस सर को पकड़ता हूँ। वहीं अखुड़ी का आदमी चोर को पकड़ के जम्मू को दे देता है। वहीं चेंगवल को उस रास्ते में श्योंगिल दिखता है। वहीं एवम भी चेंगवल का पीछे आती है और वो श्योंगिल को देख लेती है। वहीं श्योंगिल चेंगवल को चाकू से मारकर वहां से भाग जाता है। तब एवम चेंगवल के पास जाती है। वहीं वो चौमुख को बुलाने वाली थी, लेकिन चेंगवल उसे मना करता है। उसके बाद एवम उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ चौमुख ड्योखी और मिसना आते हैं और वो लोग एवम से पूछते हैं, ये कैसे हुआ? क्या तुमने कल्पित को देखा? तब एवम मना कर देती है। उसके बाद जब चेंगवल को होश आता है, तब एवम उसे मिलने जाती है। तब चेंगवल उससे पूछता है, क्या तुमने किसी को बताया क्या? तब एवम मना करती है और कहती है, तुमने मुझे किसी को कुछ बताने से क्यों मना किया? तुमने उसका कितना ख्याल रखा था और उसने तुम्हें चाकू मारा। तब चेंगवल को पता चल जाता है कि एवम ने उसके पुराने मेमोरीज भी देखे हैं। तब वो उस पर गुस्सा होता है। उसके बाद एवम चेंगवल के लिए सामान लेकर आती है। तब लिफ्ट में वो श्योंगिल को देखती है। वहीं श्योंगिल और लोगों को चेंगवल के पास जाते हुए देखकर चेंगवल के पास नहीं जाता है। वहीं एवम उसका पीछा करती है। वहीं वो चौमुख को कॉल करके कहती है, चेंगवल को चाकू मारने वाला यही है। वहीं एवम उसका पीछा कर रही होती है, तभी सामने श्योंगिल आ जाता है। वहीं श्योंगिल उससे पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब एवम कहती है, मुझे पता है कि तुमने ही चेंगवल को चाकू मारा है। तब चेंगवल इससे पूछता है, क्या वो ठीक तो है ना? वहीं एवम वहां से भागने का भी ट्राई करती है, लेकिन श्योंगिल उसे पकड़ लेता है। तभी एवम उसके बम को छूती है। तब वो देखती है, बैग ने श्योंगिल को चेस्टर की सर्जरी कराऊंगा कहकर अपने साथ काम में रखा था।
वही बैग किसी और को जंगल को मारने भेजने वाला था, लेकिन श्रृंगल खुद उसे मारूंगा कहता है। वही एबम देखती है जंगल ने श्रृंगल को एक बार दिखाया था कि अगर कोई मुझे इस जगह में मारा तो मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए श्रृंगल ने उसे उस जगह में मारा था। वही श्रृंगल वहाँ से भाग जाता है, तभी वहाँ जामुंग आ जाता है। तब एबम उससे कहती है, मैंने किसी और को कल पे सोच लिया था। उसके बाद एवं जंगल के पास जाकर सब कुछ बताती है। तभी वहाँ श्रृंगल आता है, उसका हालत बहुत ख़राब होता है, वो खून से लूटा पूटा होता है। वही श्रृंगल जंगल से सॉरी कहता है। तब एवं उसकी बम को छूती है, तब वो देखती है कि एक रेनकोट पहना हुआ आदमी ने श्रृंगल पर अटैक किया था। वही श्रृंगल मर जाता है और इसके साथ ही एपिसोड एंड होता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।